पिछले साल प्रेमी की खातिर पाकिस्तान छोड़ चार बच्चों संग भारत पहुंची सीमा हैदर के बारे में तो हर कोई जानता है। जैसलमेर में भी एक शादीशुदा महिला ने ऐसा ही किया। उसने देश की सीमा तो नहीं लांघी, लेकिन प्रेमी के खातिर अपने पति और पांच बच्चों को जरूर छोड़ दिया। जैसलमेर से वह गुजरात पहुंची और प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसने कहा कि वो पति से तंग आ गई थी, अब अपनी पूरी जिंदगी प्रेमी के साथ ही बिताएगी और जल्द ही शादी भी करेगी। बस इंस्टाग्राम पे गुजरात कारण की है रहनो क्यों नहीं कारण की बस मन्ना पसंद वो है कोनी वो मन्ना पसंद को करता मैं उनको पसंद करती वो पांच बच्चा वो जो मेरा पति है वो मन्ना मार पीट करता है और कोई लोग आवे वो शक भी करे नहीं मन्ना पसंद करे पांच बच्चा बच्चा उसका ही है उसके साथ रहे आप रहे नहीं रहते नहीं बच्चा भी मैं उसका आदमी करता हूँ बीमारों और मेरे साथ रहना नहीं करता बच्चा भी यूं बातचीत की करी थी इंस्टाग्राम पे इसका कितना महीना हुई डेढ़ साल हुए डेढ़ साल अच्छा यूं जान पहचान मतलब जान पहचान इंस्टाग्राम में थी जान पहचान इंस्टाग्राम में थी ये भी सिंगर है और मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ दोनों हाँ फिर अब कहाँ रहना चाहती हो आप अब मैं बीमाराम के साथ बीमाराम के साथ हाँ। तो आज जैसलमेर पुलिस ने आपके खिलाफ आपकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया आपके पति ने करवाया है पप्पी से आपके परिवार से किसी से बात हुई आपके हाँ मेरे परिवार से बात हुई है हाँ। मेरे भाई से बात हुई है हाँ। ससुराल वाले से नहीं हुई मैं नहीं करी मेरे भाई से मैंने बात की भाई ने क्या कहा भाई के उनके वापस आ रही हाँ। मैं कहीं नहीं आऊंगी मैं इसके साथ रहा बीमार हम क्या काम करें ये सिंगर है मारवाड़ी सॉन्ग का आपके पति क्या करते थे कौन छोटी मोटी मजदूरी कर रहे हैं तो आप घर से निकले तब क्या कहेंगे निकले मैं मेरी माई की जा रही हूँ। 32 साल की नेमी देवी को इंस्टाग्राम चलाने का शौक है, वह रील्स भी बनाती हैं। उसके इंस्टाग्राम पे 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे ही उसकी मुलाकात लोक गायक भीमाराम से हुई। दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया और अब शादी कर उसी के साथ रहना चाहती है। पुलिस ने बताया कि महिला के पति ने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नेमी देवी की तलाश शुरू की। तलाश चल रही थी कि सोमवार को अचानक बाड़मेर जिला मुख्यालय के महिला थाने में नेमी देवी खुद अपने प्रेमी के साथ पेश हो गई। नेमी देवी कह रही है कि मैं इंस्टाग्राम चलाती थी और इंस्टाग्राम से हमारे दोनों के आपस में दोस्ती हो गई। पिछले 1.5 साल से हम एक दूसरे से दोस्त हैं और मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने की शौकीन हूँ और ये भीमाराम सिंगर है। तो इस प्रकार से हम दोनों ने अपना भविष्य दे करके और मैं इसके साथ गई हूँ। मैं मेरी मर्जी से गई हूँ, बताया, बाकी अनुसंधान चल रहा है। कितने समय बाद ये दोनों मिले हैं? ये लगभग 1.5 महीने बाद मिले हैं। ये जैसलमेर सदर थाने का मामला है। 19/4 को नालना राम ने एक MPR दर्ज कराई। मेरी जो धर्मपत्नी है नेमी देवी, वो घर अपने पीर से, पिता का पीर है, वहाँ से ये गायब हो गई है। फतेहगढ़ का कह के गई निकली थी और वापस घर पे नहीं आई। तो इस प्रकार से इसकी इस पर रिपोर्ट पर, नालना राम की रिपोर्ट पर MPR दर्ज की गई है पुलिस सदर में, जिसकी हम काफी लंबे समय से प्रयास करते तलाश कर रहे हैं। गुजरात में तलाश की, बाद में किसी पता चला महाराष्ट्र के गए और आज हमें सब पता चला कि ये बाड़मेर आए हुए हैं। तो हम बाड़मेर आए और इनको यहाँ जो गुमशुदा है वो नेमी देवी, उसके साथ उसका जो है भियाराम करके उसका मित्र है, वो साथ है, जिनको महिला थाने लाए हैं और उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। जी, महिला के 5 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं और शादी को इसके लगभग 12-13 साल हो गए हैं। लड़की महिला 32 साल की उम्र है, बालिंग है। ये कहाँ की रहने वाली है और इसके पति कहाँ के रहने वाली है? ये हमारे सदर जैसलमेर सदर थाना के हल्के में कीता गांव है, वहाँ की रहने वाली है। भील कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसका ससुराल जो है पीर है, ससुराल है वो गदसिंह का गांव झिंझनेर थाना के हल्के में पड़ता है। वहाँ लड़का कहाँ का रहने वाला? ये जो लड़का जो भियाराम जिसके साथ जो अभी आया है, ये धोक गाँव पड़ता तोटन थाना हल्का में, वहाँ का रहने वाला। ये भी बाई कास्ट भील जाति से बिलोंग करता है और अभी वर्तमान में फतेहगढ़ में रहना बता रहा है। तो दोनों ने क्या लव मैरिज कर दी? नहीं, अभी पूछा, इन्होंने बताया कि हम लव मैरिज तो नहीं, वो कह रहे हम साथ रहेंगे, शादी के बारे में इसमें कुछ नहीं कह रही है, हम साथ रहेंगे, हमारा मजदूरी करेंगे। तो अब इन दोनों को जैसलमेर ले जाओगे?
नहीं, यहाँ इनके बयान ले लिए हैं जो क्योंकि महिला बालिंग है। महिला का कहना है उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, शक भरी नजरों से देखता था, इससे वह तंग आ चुकी थी। 1.5 साल पहले फिर उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक लोक गायक भीमाराम से हुई। फोन नंबर एक्सचेंज हुए, फिर चला बातचीत का दौर। बात करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, तब उन्होंने तय किया कि अब वे साथ में रहेंगे। इसीलिए वह पति और 5 बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ गुजरात पहुंच गई। जल्द ही दोनों शादी भी कर लेंगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों के बयान लेकर उन्हें जाने दिया है, लेकिन मामले में जांच अभी जारी है। देखना होगा कि आगे पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। इधर इस लव स्टोरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।